सबसे जरूरी बात कि आखिर बच्चों को सिखाने की सही उम्र क्या है? क्या आपने खुद से सवाल किया है? आप बच्चों को डांटने लगते हैं, दबाव डालने लगते हैं, लेकिन सिखा नहीं रहे, तो वो क्यों नहीं सीख पा रहा? बच्चों को सही सिखाने का समय क्या है, सही उम्र क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगी। लेकिन इससे पहले एक और जरूरी बात है जो मुझे आपसे करनी है। ऐसा कहा जाता है कि नींद और भूख जितनी बढ़ाई जाए उतनी बढ़ती है, ये राक्षसी गुण है। तो अगर आप अपनी नींद को कंट्रोल में नहीं कर पा रहे हैं, तो चलिए मैं आपको आसान वास्तु टिप्स दे देती हूँ। अगर आप स्ट्रेस में रहते हैं तो सोते समय नींद नहीं आती होगी। रात में सोते समय जब आप अपने बेडरूम में जाते हैं तो देसी घी का दीपक जलाया करें। इसके साथ साथ बेडरूम में झूठे बर्तन नहीं रखने हैं, क्योंकि जब हम झूठे बर्तन बेडरूम में छोड़ते हैं तो वहां राहु आ जाता है जो स्लीप डिस्टर्ब करता है। तो आप अगर किसी तरीके का नशा करते हैं उसको भी सोने से पहले नहीं कीजिए। एक और जरूरी बात, सोते समय आपके कमरे में झाड़ू नहीं होना चाहिए, ये नींद को डिस्टर्ब करता है और म्यूचुअल ट्रस्ट को, कपल के बीच में जो म्यूचुअल ट्रस्ट है उसको कम करता है। और घर के मंदिर में लाल बल्ब कभी भी नहीं लगाएं, और अगर नॉर्थ ईस्ट में है तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये रंग जो है ये एनर्जी का कलर है। लेकिन जहां पर आपका मन लगता है, जो शांति की जगह है, वहां पे रेड कलर को अवॉइड कर ग्रीन बल्ब, व्हाइट बल्ब, येलो बल्ब, ब्लू बल्ब, इस तरीके के कलर्स को लगाएं। इस सेंचुरी के सुपरस्टार अमिताभ बच्चन इस शिखर पर पहुंचे, इस जगह पर पहुंचे, क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत की। मेहनत तो आप भी करते हैं, लेकिन कुछ खास है उनमें, कुछ खास है उनके सिग्नेचर्स में। क्या खास बात है वो आपको आगे बताऊंगी, ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको आगे दूंगी। लेकिन इससे पहले एक और जरूरी बात, वो जरूरी बात है आपके बच्चों से जुड़ी। चलिए आपको खुश करने वाली इन्फॉर्मेशन देने का वक्त आ गया है। जानते हैं बच्चों को सिखाने की सही उम्र क्या है? स्कूल जाने से पहले बच्चा लगभग 3 साल की एज का होता है, तो 3 साल की एज तक अक्षरों और कागज पर खींची गई टेढ़ी मेढ़ी लकीरों के अंतर को समझने लगता है। इसलिए इस पर ये काबिलियत जो है वो होनी, ग्रो होनी शुरू हो जाती है। ये इस चीज का संकेत है कि आप बच्चा पढ़ाई लिखाई के लिए तैयार हो गया है। तो आपको इस शो में सही बातें बताती हूँ जिससे आपके बच्चे के साथ आपकी ट्यूनिंग बेटर हो। तो ज्यादातर बच्चे 5 साल की एज तक जो है बहुत ज्यादा स्कूल के लिए तैयार नहीं होते, लेकिन क्योंकि तरीका इस तरीके से, एजुकेशन की एज इस तरीके से है कि बच्चे प्ले स्कूल जाना तैयार हो जाते हैं, जहां खेल कूद में बच्चे कहीं ना कहीं एजुकेशनल क्वालिटीज को लर्न करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं ध्यान की, तो इस बात को इस बात से समझिए कि 3 साल की उम्र में आपका बच्चा पढ़ने और सीखने की क्षमता के लिए तैयार हो जाता है। तो यूएस में वॉशिंगटन डीसी में एक एक्सपेरिमेंट किया गया 3 से 5 साल की उम्र के बच्चों पर। उनको बोला गया डॉग। तो बच्चों को जब डॉग शब्द के साथ रिलेट किया गया तो थोड़ी मुश्किल हुई, लेकिन जैसे ही फोटोग्राफ के साथ रिलेट किया गया तो इजीनेस हुई। तो इससे ये नतीजा निकला कि बच्चे चित्रों के साथ, फोटोग्राफ के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। ऐसे आपने उस मूवी में भी देखा होगा तारे जमीन पर, कि शब्दों के बजाय बच्चे पिक्चर्स यानी कि विजुअल इम्पैक्ट के साथ ज्यादा रिलेट करते हैं। तो जब आपने बच्चों को कोई बात समझानी हो, जैसे आपने बच्चों को सिंपल बात समझानी हो कि अकेले बाहर नहीं जाना, या अननोन लोगों के साथ हाथ से टॉफी स्वीट्स कुछ भी नहीं लेना खाने का सामान, तो आपको बच्चों को वो फोटोग्राफ्स दिखानी होंगी, नेट से सर्च कर उनको दिखा कर समझाइए कि जब अननोन लोगों से टॉफी लेते हैं तो ये सर्कमस्टेंसेस होते हैं, और आपका बच्चा फट से बात समझेगा। तो दूसरी बात ये है कि सबसे फर्टाइल टाइम कौन सा है, जब आपके बच्चों को नींद आने लगती है, यानी कि रात को अगर उनका सोने का टाइम 9 बजे है तो उससे 1 घंटा पहले आप बेड के ऊपर बच्चे को जो भी बात फोटोग्राफ के साथ समझाएंगे उसके दिमाग में फट से आ जाएगी। फिर चाहे वो उसका लेसन हो, चाहे वो उसका स्टडी मटेरियल हो, कोई ज्ञान की बात हो, कोई समझ की बात हो, कोई भगवान की बात हो, बच्चे के दिमाग में सीधा डाउनलोड होती है। तो इस समय का और अपनी बात का ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आज की दूसरी प्रॉब्लम और उसका सलूशन लेते हैं। अगर घर पर बार बार नजर लग जाती है तो क्या करें? अगर घर का दरवाजा नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट या वेस्ट की तरफ है तो घर में बाहर की तरफ घोड़े का नाल लगा दीजिएगा उल्टा यू की शेप में, और घर पर नजर नहीं लगेगी।